विभाग शहर से बाबूलाल बाली की रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन ऐप के द्वारा शिविर के दौरान वार्ड संख्या 8 व 9 के लिए शांति बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपार शहर वार्ड संख्या 3, 10 व 12 से ट्राम रखमालानी उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपार शहर वार्ड संख्या 21 व 22 के लिए हजाओं शहीदों का चौक में शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के कोरोना का टीका लगाया गया। उपकरण अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित, अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र परिहार, पार्षद मंसूर अली छिपा व आपको बता दें मुतलिब CBEO सोहन सिंह राठौर व ACBO सुमीर सिंह प्रधानाचार्य बंसीलाल माली जनप्रतिनिधि सोहन राम सांखला हिमराज जीनगर द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर आमजन से समझाइश की गई एवं उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजपुरोहित द्वारा आमजन से अपील की गई कि वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी एवं हमारे परिवारजनों द्वारा भी वैक्सीन लगाई है जिससे हमें कोरोना महामारी का सामना कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं एवं आपको बता दें हमारे से बच्चे आज शिविरों में 409 व्यक्तियों के टीकाकरण किया गया। अधिशासी अधिकारी के अनुसार आपको बता दें 2 जून को वार्ड संख्या 11 व 13 के लिए वैसाहती नोवल उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपार शहर वार्ड संख्या 14, 15 व 17 के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पिपार शहर वार्ड संख्या 19, 20, 26, 28 व 29 के लिए महेश्वरी भवन अस्पताल चौक पिपार शहर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर वैक्सीन लगवाएं, अपना स्वस्थ जीवन बचाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं।